ट्रेन के आने में शायद कुछ वक्त और लग जाए। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। रेल का सारा निजाम गरम भरम हो गया। ट्रेन के आने जाने से क्या मतलब? खैर, मैं इंतजार करूंगा। तेरे बिना जाना नहीं, तेरे बिना जाना नहीं। तू यो मेरा दुख वे, तू यो मेरा सुख वे, तेरे बाजू जिंदड़ी मेरी गईयो मुक वे, तेरे लई मैं रुल गई, तेरे बिना जा। तुम्हें जल्दी सर्दी लग जाया करती थी ना? वो नहीं है तुम्हारे साथ? अम्मा, अम्मा तो मर गई है। कब? बहुत अरसा हो गया। तुम्हें खत लिखे, टेलीग्राम भी भेजे, मगर ना तुम्हारा जवाब आया और ना तुम। जिस खत की तुम बात कर रही हो उसमें तुमने लिखा था तुम आखिरी बार मुझे देखना चाहती हो, वक्त मिले तो आकर मिल लेना। मुझसे लिखवाया था वो खत अम्मा ने, बहुत मना किया था मत लिखो। पार्टीशन के बाद खानदान के जो लोग पाकिस्तान गए उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता था। अम्मा खत पे खत लिखती गई पर जवाब ना आता, बस गम बढ़ता जाता। आखिर में वही गम खा गया उन्हें। हवेली है अब तक? बिक गई, बस मैं और अम्मा ही रह गए थे।
काटने को दौड़ती थी हवेली। और बाकी सब? सब चले गए, जैसे तुम पाकिस्तान को चले गए। आहिस्ता आहिस्ता सब हवेलियां, घर औने पौने दामों में बेच के निकल गए। पार्टीशन के बाद मुसलमानों की जायदाद तो जैसे माले मुफ्तले बेरहम बिकती गई। ना जाने इतने कम पैसों में क्या करते होंगे लोग पाकिस्तान में। तुमसे नहीं मिलते थे? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि खानदान के बाकी लोग पाकिस्तान गए भी कि नहीं। ये शायद उनका अंजाम मेरे जैसा नहीं हुआ होगा। सुना है कुछ रास्ता खुला है, शायद थोड़ी देर में कोई गाड़ी आ जाए। क्या अमृतसर जाने वाली गाड़ी का रास्ता खुला है? ये तो पता नहीं कि अमृतसर जाने वाली गाड़ी का रास्ता खुला है या पाकिस्तान। रास्ता खुला है, देखें अब कितनी देर में गाड़ी आती है। नगो, ऐसी बारिशें हुआ करती थी ना। झूले टांगे जाते थे, पकवान बनाए जाते थे, सावन से बाधों तक क्या हंगामा मचता था हवेली में। और वो कागज की कश्तियां बनाकर हम पानी में बहा दिया करते थे, और जब तुम्हारी कश्ती डूब जाती थी तो तुम मेरी भी डुबो दिया करती थी। और वो बेहद के दरख्त पे हम झूले टांगते थे और तुम मुझसे मुकाबला करते थे कि किसकी भीम ऊंची जाएगी। और तुम्हें पता है घर के पीछे वो जो पुराना वाला मंदिर था, वहां खेलने के लिए चले जाया करते थे, कितने बड़े बड़े सांप हुआ करते थे वहां पर। और अम्मा हमेशा तुम्हारी पिटाई करती थी कि मुझे क्यों लेके गए। तेरे बिना शादी की तुमने वक्त नहीं मिला नको। तुमने तुम्हें लगता है कि होगी? हम तो बचपन से बड़े हो गए, मगर अम्मा हमारे बचपन से ना निकली। सब समझाते थे उन्हें कि तुम नहीं लौटोगे। बचपन की बातें थी, भूल जाए। वो कहती थी देख लौती बेटी है मेरी, और जोई को तो मैंने पाला है, मेरे भाई की एक ही तो निशानी है, दामाद बनेगा मेरा। आखिरी दम तक दरवाजे पे आंख रखे तुम्हारा इंतजार करती रही वो। मैं गुनाहगार हूँ फूफो का नको, मैं गुनाहगार हूँ फूफो का। मैं उनकी मोहब्बत को नहीं समझ पाया। हमारे यहाँ लोग मरने के बाद ही समझ में आते हैं। तुम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से गया ही नहीं, इसी जगह तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम जा ही नहीं सके? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाकिस्तान? मरते वक्त अम्मा ने वसीयत की थी ना कि मैं पाकिस्तान चली जाऊं। हवेली भी पिक गई,
उस वक्त तो पूरी कर नहीं सकी, लेकिन अब कर रही हूं। आदि वसीयत क्यों बता रही हो? क्या मतलब? एक और खत भी था ना को, जो फुफो ने शायद किसी और से लिखवा कर मेरी किताब में रख दिया था और जो ट्रेन पे चढ़ते ही मैंने पढ़ लिया। उसमें फुफो ने मुझसे कहा था कि मैं हिंदुस्तान वापस आकर तुम्हें पाकिस्तान ले जाऊं, अब्बा की दी हुई जबान पूरी करूं और अपना किया हुआ वादा पूरा करो। पप्पू ने मुझे माफ कर दिया था नको, पप्पू ने मुझे माफ कर दिया था पार्टीशन के वक्त इसी स्टेशन पे जब मैं ट्रेन पे चढ़ा। तो उन्होंने ट्रेन के साथ ही मुझे भी काट डाला नगो, उस ट्रेन के साथ उन्होंने मुझे काट डाला। तीस जुलाई 1947, तब से लेकर कितने साल बीत गए न को, कितने दिन गुजर गए, कितने लम्हे बीत गए न को, मैं तब से लेकर अब तक यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ न को, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। 73 साल 3 महीने 12 दिन एक एक दिन काटा है मैंने। 22 साल की थी जब तुम छोड़ के चले गए, 96 साल जिंदा रही मैं, लेकिन जी सिर्फ वो 22 साल जो तुम्हारे साथ गुजारे। 74 साल सिर्फ मरने का इंतजार किया मैंने, और आज सुबह सांस बंद हो गई, हर रात को तुम्हें देख के फिर से जिंदा हो गया। तुम्हें देखा फिर से जिंदा हो गई। नको नको, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कर सकता हमें अब। तुम्हारा क्या भरोसा? जिस्म की कैद में थे तो साथ छोड़ दिया तुमने, अब तो तुम्हारा वजूद ही नहीं। अब अगर ऐसा करूं ना तो मेरी सारी कश्तियां पानी में डुबो देना, अब नहीं लड़ूंगा तुमसे। बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। अब लोगों की गाड़ियां आ गई, अब इसकी जरूरत नहीं है इसकी। तुम्हें पता है ना कहां जाना है, मेरे नाल साया।